माननीय मंत्री जी। सर, आदरणीय उपसभापति जी, मैं 22 सांसदों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखे और मैं धन्यवाद दूंगा श्री मधुसूदन मिस्त्री जी को। उन्होंने शुरुआत करते हुए कहा था कि सुबह कब आएगी, वो सुबह आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मजदूरों के लिए अब शुरू हो गई। उनको महसूस करना चाहिए कि देश के 40 करोड़ मजदूर भाई बहनों के लिए ऐसा महत्वपूर्ण कदम हम लोग जो उठा रहे हैं। लोग हमसे पूछते हैं आप कैसे इनको वेतन देने का काम करेंगे, क्योंकि संगठित क्षेत्र में रोजगार देना एक अलग बात है, पर असंगठित क्षेत्र में सबको रोजगार मिले ये वास्तव में सोच से आगे की बात है। और वास्तव में वर्तमान सरकार हमारी इस सोच से आगे बढ़कर काम कर रही है और कैसे सबकी हम चिंता करें उसके हिसाब से हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अब देश के सारे मजदूर भाई बहन इस न्यूनतम मजदूरी के दायरे में आ जाएंगे, ये पहले लोग सोच नहीं पाते थे और हमारा काम है कि हम इसको सुनिश्चित करें और उसके हिसाब से काम करें। अभी हमारे कुछ साथी फ्लोर वेज की बात कह रहे थे, मैंने कहीं पर भी फ्लोर वेज की बात नहीं की थी। पिछली सरकार में कभी किसी ने 184 या 186 की बात की थी, वो एक अलग बात थी। हमारा मानना ये कि सारे वेज तय करने का काम ट्राइपार्टाइटेड समितियाँ जो होती हैं जिसमें मजदूर संगठन और एम्प्लॉयर्स और राज्य सरकारें मिलकर जो तय करती हैं, और इसमें तो हमने अब ये प्रावधान कर दिया है इसमें एक तिहाई महिला साथी भी उसमें होंगी और बैठकर इसको तय करने का काम करेंगे और उसके हिसाब से हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हमने कुछ और भी जो फैसले लिए हैं कि इतने सारे कानून में मजदूर की समस्या के समाधान के लिए कि भाई 6 महीने से 2 साल तक का समय होता है अपील करने का, उसको इकट्ठा 3 साल कर दिया कि 3 साल के अंदर मजदूर अपील कर सकता है और उसको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और सारे भेदभाव, अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा था सारे भेदभाव दूर करके अब महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होगा। और हम लोगों ने ये भी तय किया है कि ट्रांसजेंडर भाइयों के लिए भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा और वेतन मिलने में न भर्ती होने में न काम की स्थितियों में कोई विरोध करने की बात आएगी, कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। ये मैं सब इसलिए कह रहा हूँ, ये सारे भी काम हमारी सरकार कर रही है कि जो वास्तव में लोग जिसको सोच भी नहीं सकते थे और जिसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि संविदा करने के काम में न्यूनतम मजदूरी में जो लाभान्वित होंगे, हम जब चर्चा करते हैं कि काम करने वाली हमारी माताएं बहनें, और अभी कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो एक एक दिन में 4-4, 5-5 घरों में काम करते हैं, तो हमसे सवाल लोग कर रहे थे पैसा कैसे तय करोगे। पर हमने कहा कि समझ में आना चाहिए आसाम, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में घंटे के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं और वहाँ पर प्रति घंटे 30 से 37 रुपए के बीच में उनको वेतन का भुगतान होता है, ये वास्तव में। और सभापति जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा 11 राज्यों में घरेलू कामगारों को पहले से ही न्यूनतम मजदूरी मिल रही है। अब इसको हमको पूरे देश में लागू करना है, उसके हिसाब से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम तय करने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि हमारे साथियों ने जो बातें बताई हैं, हम जो भी सारी बातें इनको हमने नोट किया है और जो ट्राइपार्टाइट हमारी कमेटी है जिसमें सारे मजदूर संगठन, अभी हमारी बहन कह रही थी हमने पहला जो फैसला करा था उसमें 13 मजदूर संगठन आए थे, ये बात अलग है राजनीतिक कारणों से। अब बाद की मीटिंगों में हमारे कुछ साथियों ने बायकॉट करने का जो मन बनाया है, पर इस पहले कानून में सबकी सहमति थी, सब हमारे साथ थे और उसके हिसाब से हम यहाँ पर इस काम कर रहे हैं। जहाँ तक फ्लोर वेज की बात है, फ्लोर वेज का अभी कोई हमने तय नहीं किया है। फ्लोर वेज के मामले में ये ट्राइपार्टाइट कमेटी बैठेगी, बैठकर जो तय करेगी वो जो वेज होगा वो मिनिमम होगा। अगर कोई राज्य सरकार, जैसे हमारे साथी कह रहे थे कि दिल्ली वाले ज़्यादा देते हैं तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर मिनिमम हम लोग तय करेंगे, इससे कम न दिया जाए और उसके हिसाब से हम लोग मिलकर काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि हमारी इस एडवाइजरी कमेटी में श्रमिक संगठन, एम्प्लॉयर, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, और ज़रूरत होगी तो हम विशेषज्ञों को भी लेने का काम करेंगे। वैसा मैंने कहा कि एक तिहाई महिला भी इसमें अवश्य रूप से होगी, और इसके अतिरिक्त अगर हमको महसूस होगा तो हम एडवाइजरी कमेटी का आवश्यकता अनुसार टेक्निकल कमेटी का भी गठन कर पाएंगे और उसके हिसाब से हम
इसमें फैसला लेने का काम करेंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोर्ट में हम फ्लोर बेस जो तय कर रहे हैं वो अपने आपके मैं परिक्षेत्र के हिसाब से, राज्य के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी भविष्य में तय करेगा। अभी हमने कोई न्यूनतम मजदूरी तय नहीं की है। ये कमेटी इस बिल के पास होने के बाद जब कमेटी बैठेगी, कमेटी बैठकर फिर तय करेगी हम न्यूनतम मजदूरी कितनी तय करें और उसके हिसाब से आगे हम लेंगे। ये अधिकार केंद्र सरकार नहीं ले रही है और राज्य सरकार का जो फैसला है वो अपने हिसाब से करें, उसके हिसाब से हम करने का काम करेंगे। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ, भी एक दो साथी बोले थे कि इसमें रेप्टा कॉस्ट, ये वास्तव में ये प्रसिद्ध निर्णय है, इसको ध्यान में रखकर ही हम लोग फैसला लेंगे और इसकी जो भी संस्तुति है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे और जो फार्मूला तय करेंगे इसके हिसाब से हम लोग तय करेंगे। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि न्यूनतम मजदूरी जो तय करने के लिए हम लोगों ने जो समय 5 वर्ष का दिया है, अगर कोई राज्य सरकार चाहेगी कि हम 3 वर्ष में तय करेंगे तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। वो सरकार, जो राज्य सरकार जो भी तय करना चाहेगी इसको करने का काम करेगी और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक एक दिन में दिए जाने वाले घंटों की बात है तो अभी एक साथी 8 घंटे की बात कर रहे थे, इसमें कोई इफ और बट की बात नहीं है, जो तय है। इस विषय बहुत ही संवेदनशील है, हम इसके ऊपर कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं, पर इसमें कोई शिकायत का नहीं मिलेगा। पर घंटे तय करने का काम हमारा दूसरा बिल जो आएगा OSH का, वो तय करने का काम करेगा और उसके में ही इस हिसाब से बात होगा कि कितनी देर कौन काम करे, इसकी चर्चा की बात होगी। साथियों, ये बिल जैसा मैंने पहले बताया कि स्टैंडिंग कमेटी में साल भर रहा और आम देशवासियों के सामने उनके बीच में रहा और इसमें जो सारे विचार आए उन पर हमने विचार करके फैसला कराया। तो मेरा आग्रह है कि इसके ऊपर आप अपना पूरी सहमति देने का काम करें और निश्चित रूप से मजदूरों के हित में एक बड़ा निर्णय हम सब लोग मिलकर ले रहे हैं और वास्तव में मजदूर कैसे इस काम में आगे बढ़े हम इसको तय करेंगे। तो मैं अधिक न बोलते हुए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आप इसमें सहयोग और समर्थन करें। When amendment comes here now, amendment comes then I speak.